अब मैं आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड दिखाने जा रहा हूँ जिसमें मैं काफ़ी टाइम से खुद इन्वेस्ट करता हूँ और वो मुझे एनुअली 40% का कंपाउंडेड रिटर्न दे रहा है। और किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए 40% का कंपाउंडेड रिटर्न देना आम बात नहीं है। इस म्यूचुअल फंड का नाम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इज सेफ, अग्रीड, बट 100% सेफ ये कोई भी नहीं कह सकता। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा वो इन्वेस्टमेंट जो बिना किसी एनालिसिस के की गई है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड के क्या क्या टाइप्स होते हैं एंड उसमें इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा ऐसे म्यूचुअल फंड का जिसमें मैंने खुद इन्वेस्ट कर रखा है और मुझे अच्छे रिटर्न्स भी मिले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन देखना है तो उसके लिए मैंने नीचे टाइम लैप्स दे रखे हैं, आप सीधा स्किप करके उस सेक्शन पर जा सकते हैं। लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होते हैं? जब काफ़ी सारे लोग मिलकर किसी कंपनी, किसी प्रोफेशनल या बेसिकली किसी भी एंटिटी को अपने पैसे देते हैं कि वो लोग उन पैसों को आगे इन्वेस्ट करें और उनसे आपको प्रॉफिट जनरेट करके दें, बेसिकली यही होता है म्यूचुअल फंड। और अगर आपको डिटेल में समझना है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है तो इसके ऊपर मैंने पहले से काफ़ी अच्छी वीडियो बना रखी है जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। भाई लेफ्ट में यहाँ पर। तो ठीक है, अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के क्या क्या टाइप्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं। पहला, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। वो म्यूचुअल फंड्स जो शेयर मार्केट में कंपनीज की इक्विटी बाय करते हैं एंड उनसे आपको रिटर्न्स निकाल के देते हैं। दूसरे, डेट म्यूचुअल फंड्स। इसे हमें नाम से समझ आ रहा है कि इसमें डेट मतलब कर्ज और लोन से रिलेटेड कुछ है। और ये म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड उनसे आपको रिटर्न निकाल के देते हैं। तीसरे आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, मतलब जो इक्विटी एंड डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। आइए इनके कुछ सब टाइप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सबसे पहले आते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स एंड देन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपये से कम होता है एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक के बीच में होता है एंड देन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर होता है उन कंपनीज में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। सेक्टर म्यूचुअल फंड्स कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, एग्जांपल ऑटोमेशन एंड फार्मास्यूटिकल एंड एफएमसीजी। थर्ड, थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स। ये किसी पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करते हैं, एग्जांपल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, स्टील कंपनीज एंड ग्लास कंपनीज। फोर्थ इज ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसे आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर आपको टैक्स स्लैब दिख रही होगी। तो मान लेते हैं कि आपकी सालाना इनकम है 5 लाख रुपये, तो जो पहले 2.5 लाख रुपये हैं उस पर आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है एंड उसके बाद वाले जो 2.5 लाख रुपये हैं उस पर आपको 5% टैक्स पे करना है जो कि होता है 12,500 रुपये। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक ही है तो 12,500 रुपये का आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाता है, तो इस केस में आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब मान लेते हैं कि आपकी इनकम है 6.5 लाख रुपए, तो पहले 2.5 लाख रुपए पे आपने कोई टैक्स पे नहीं किया, अगले 2.5 लाख रुपए पे आपको इस बार 12,500 रुपए पे करने पड़ेंगे एंड उसके बाद जो 1.5 लाख रुपए है उस पे आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ELSS में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ इज RGESS, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मेनली न्यू इन्वेस्टर्स के लिए होता है। इसमें भी आपको 50% का टैक्स डिडक्शन मिलता है जिसकी लिमिट होती है 25,000 रुपये। एंड लास्ट इज इक्विटी इनकम फंड। ये म्यूचुअल फंड सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हमें डिविडेंड इनकम मिलती है। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की। डेट म्यूचुअल फंड में सबसे पहले आते हैं गिल्ट फंड्स। गिल्ट फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब सेकंड है डाइवर्सिफाइड डेट फंड्स। डाइवर्सिफाइड डेट फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी एंड नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी, जैसे कि ये ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो इन्वेस्ट करते ही करते हैं, उसके साथ साथ ही कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड कमर्शियल पेपर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो हम थर्ड समझते हैं जो कि है जंक बॉन्ड स्कीम्स। जंक बॉन्ड स्कीम्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो उन कंपनी को लोन देते हैं जिनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती एंड जिनसे रिटर्न के ज़्यादा आसार नहीं होते, तो इसीलिए इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है।
लास्ट इज फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। ये खुद में काफी बड़ा टॉपिक है जिसे मैं आगे की वीडियोस में कवर करूंगा। अभी टाइप्स का टॉपिक खत्म करते हैं और मेन बात पर आते हैं कि अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसे आप एनालाइज कैसे करेंगे और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। तो अपनी नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। सबसे पहले हमें देखने हैं रिटर्न्स। रिटर्न्स हमें देखने हैं पहले एक साल के, फिर तीन साल के और फिर पिछले पाँच साल के, और उन रिटर्न्स को हमें उसके बेंचमार्क से कंपेयर करना है। बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को बताता है और इससे रिटर्न्स को कंपेयर करने के बाद हमें उसका अच्छा आइडिया हो जाता है। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है फंड मैनेजर। हमें फंड मैनेजर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना है और देखना है कि वो किस टाइप का इन्वेस्टर है, वो एक बुल इन्वेस्टर है या फिर बियर इन्वेस्टर है। उसके बाद हमें देखना है कि वो इस करंट म्यूचुअल फंड से पहले कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर चुका है एंड उनका रिटर्न देखना है और उसके रिटर्न को बेंचमार्क से कंपेयर करके देखना है। और सबसे लास्ट में हमें देखना है कि जो हमारा फंड मैनेजर है वो हमारे करंट म्यूचुअल फंड को कब से मैनेज करना है एंड उसके बाद से उसके रिटर्न्स देखने हैं, पहले से नहीं बाद से। थर्ड इज एक्सपेंस रेशियो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है क्योंकि इससे हमारे कंपाउंडेड रिटर्न्स पे फर्क पड़ता है। तो जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है, अराउंड ये 1% के आसपास होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो ये बेकार बात है। एंड फोर्थ इज एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? मान लो मैं किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अभी इन्वेस्ट करते हुए मुझे एक साल भी नहीं हुआ है और मैं उससे अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेता हूँ, मतलब कैंसिल कर देता हूँ, तो वो मुझसे एक एग्जिट लोड, एक फीस चार्ज करेगा, उसे एग्जिट लोड बोलते हैं। और ये कुछ परसेंट होता है, आप देख सकते हैं कितना परसेंट है, ये अराउंड 1%, 2%, 2.5% इतना होता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी एग्जिट लोड देखें और देखें कि उसका पीरियड कितना है, एक साल है, दो साल है या तीन साल है। लास्ट इज टैक्स बेनिफिट। जब भी हम कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हम टैक्स के लिए भी फायदे ढूंढने लग जाते हैं एंड म्यूचुअल फंड उसका एक काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते टाइम उसमें ये भी देखना जरूरी है कि हमें कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो हमें ये बेसिक चीज़ें देखनी है किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हुए। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप उसका SID पढ़ सकते हैं। SID होता है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें म्यूचुअल फंड की छोटी से छोटी डिटेल्स तक लिखी होती है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी डॉक्यूमेंट होता है तो उसका एक ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं KIM, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब मैं आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड दिखाने जा रहा हूँ जिसमें मैं काफ़ी टाइम से खुद इन्वेस्ट करता हूँ और वो मुझे एनुअली 40% का कंपाउंडेड रिटर्न दे रहा है। और किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए 40% का कंपाउंडेड रिटर्न देना आम बात नहीं है। इस म्यूचुअल फंड का नाम है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अगर आपको भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आपको बाकी और भी म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड को कैसे एनालाइज करते हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हुए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और फिर इसके बाद आपको लॉस होता है तो ना ही इसमें मेरी और ना ही किसी और की गलती होगी, इसमें सिर्फ आपकी गलती होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपने पैसे इन्वेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।